अर्जुना नारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही टेस्टी हेल्दी औषधीय गुणों से भरपूर मोरिंगा के पत्तों से चटनी बनाना बताती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। जिन लोगों को बीपी शुगर रहता है वो इस चटनी का जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आयुर्वेद में मोरिंगा का बहुत महत्व है। ये शरीर के लिए बहुत अच्छा है, बीपी शुगर कुछ नहीं होने देता। और मैं इसको चावल के साथ में प्लेन राइस बनाती हूँ ना, तो मैं इस चटनी का बहुत ही इंजॉय करती हूँ, अच्छी लगती है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये चटनी कैसे बनती है। देखिए, ये है मोरिंगा की टहनियाँ, 2 से 3 टहनी लिए ये पत्ते हैं। अब इनको अच्छे से हम क्या करेंगे, साफ करेंगे। जब भी आपके आसपास है तो आप टहनियाँ ला कर रख सकते हैं, नहीं तो आप तोड़ के पोलोथीन में पैक करके फ्रिज में रख सकते हैं, जब चाहे जब आप चटनी दाल जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखिए मोरिंगा की 3 टहनियाँ की, इनके सारे पत्ते में एक छन्नी में अच्छे से तोड़ के डाल लूँगी, क्योंकि पत्तों को हम धो के इस्तेमाल करेंगे। मैं जब तक पत्तों को धो लेती हूँ, आप अर्जुना नारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पत्तों को धोने के बाद देखिए मैंने इनको डाल दिया मिक्सी के जार में। बहुत ही ताजा ताजा कच्चे कच्चे पत्ते हैं और तोड़ना भी कच्चे हैं, पक्के वाले नहीं। मसाले में सबसे पहले 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालिए, नमक स्वाद के अनुसार ऐड करिए, फिर कच्चा जीरा पाउडर इसका टेस्ट बढ़ाएगा, और थोड़ा सा डाला मैंने आमचूर पाउडर और 2 हरी मिर्ची डाल देते हैं। अगर आप लहसुन खाते तो लहसुन भी डाल सकते हैं, और मैंने 1 टमाटर डाला, क्योंकि मैं रात के टाइम बना रही हूँ इसलिए लहसुन नहीं डाला। और मिक्सी को बंद करके 2 मिनट में चटनी बनके तैयार देखिए हो जाती है। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टमाटर डालते हैं तो टमाटर से ही काफ़ी पानी रिलीज हो जाता। अब इसको हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। अगर आप चाहे तो हींग का तड़का लगा सकते हैं, लेकिन हम दाल के साथ खाएंगे, सिंपल खानी है, बिना छौंक की चटनी ही खानी है, तो ऐसे ही खाएंगे। ये चटनी अगर आप एक बार खाते हैं तो आप बार बार बनाने की कोशिश करेंगे। इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है, कड़वा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छी लाजवाब चटनी बनती है। अब देखिए मैं इसका नज़दीक से दिखाती हूँ कि किस तरह से बहुत ही सिल्की सिल्की चटनी बनती है, और खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्ट आता है। तो आप भी जरूर बनाइए। अगर पसंद है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल।